नमस्कार, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं सेवाई संकल्प का एपिसोड नंबर 20। हम हैं दतिया के माँ पीतम्बरा के न्यू उत्तर द्वार के रोड पर। आप देख सकते हैं मैं रास्ते से निकल रहा था तो एक दादाजी मिले। क्या इनकी पीड़ा और क्या इनकी परेशानी इनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? नरेंद्र। नरेंद्र जी कहाँ से हैं? दतिया से। दतिया में कौन सी जगह से हैं? दतिया परियाने मोहल्ले से। तो आप यहाँ क्यों बैठे हुए हैं? आगे रोटी रखी हुई है, भीख का कटोरा नहीं है, तो आपने जूते रखे हुए हैं, क्यों आप बैठे हुए हैं? सर्दी नहीं लग रही आपको? हमारी तबीयत सही नहीं है, मोदी जला निकले थे जो ना, तो कुछ खपता है, एक आध कोरा खा लिया तो खा लिया। खपता नहीं है तो आप घर पे रहिए ना, अगर मोदी जला निकले तो। अब घर पे कोई गायब का हुआ नहीं है। मतलब कोई किसी का नहीं है, मतलब घर के लोग भगा देते क्या? हाँ। कौन भगा देता? अब घर से ही हम सर्विस करती है। आपके घर से सर्विस करती है? हाँ। कौन से विभाग में? ये वो पुलिस में है। कौन से? पुलिस में? नहीं। फिर कौन से विभाग में? ये सहायिका है। सहायिका है। आप देख सकते हैं इनके घर से इनकी पत्नी है, वो एक सरकारी विभाग में काम करती है, सहायिका है, और उनकी हालत इस तरह है। तो अभी है वो? हाँ है। तो उनको कभी याद नहीं आती आपकी कि हमारा आदमी रोड पे है? नहीं, वो बच्चे तो चाहते हैं लेकिन वो घरवाली नहीं चाहती। बच्चे चाहते हैं, घरवाली नहीं चाहती। क्यों नहीं चाहती? आप कोई नशा पत्ता करते क्या? नहीं, कुछ नहीं। फिर क्यों नहीं चाहती, क्या कारण है? अब वो कारण जो है 17-18-19 साल हो गए, कहीं पे भी सो जाते। वो खाना क्या खाते हैं आप? खाना को कोई भी दे, होटल मोटल वाला। अच्छा, वो दे देता, कोई दे देता है तो खा लेते हैं। आपको सर्दी भी लग रही, चाय पियोगे? आप चाय ले आए? हाँ चाय। देख सकते जी, आप केला आपके लिए ना, ये चाय आपके लिए। और बताइए किस कारण से आप घर नहीं गए? ऐसी कौन सी वजह थी आप घर नहीं गए? उसका चाल चलन खराब है। अच्छा, आपकी औरत का चाल चलन खराब है? क्यों खराब है, किस कारण से, ये कब पता चला आपको? अब वो शुरू ही से उसका रिकॉर्ड खराब है। अब ये हम पत्नी का रिकॉर्ड खराब है? हाँ, मेरे दो लड़के हुए, उसके बाद फिर उसने अपना जाल फैलाया था। अपना जाल फैलाया किस तरीके से? फिर ये उल्टे सीधे आदमी आए। अच्छा, घर पे उल्टे सीधे आदमी आए? हमने कहा देखो तुमको कुछ भी करना है आप बाहर जाया करिए, हम जी नहीं देख सकते। अच्छा, वो घर पे आते थे? हाँ, तो हमको एक दफे जेल भी करा दी, पिछोरी की जेल पे। आपको जेल भी करा दिया? हाँ, एक महीना 7 दिन जेल करा दिया। एक महीना आप जेल काट के भी आए? हाँ, अपनी औरत की वजह से? हाँ, उसे जेल करा दी। तो आप मतलब घर जाना नहीं चाहते? अब क्या करें, चाहते हैं लेकिन वो रखना नहीं चाहते। नहीं, और क्या परेशानी है आपकी? फिर यही दादा की ठोकरें खाते हैं आप? और उसका मतलब ये है कि आपको खाना है 2 रोटी तो आप देखिए, आप तो कुछ कहोगे नहीं। देखो, 2 रोटी खाना है तो देखिए, कहोगे कुछ नहीं। नहीं। अच्छा, तो ये तो आपकी पत्नी भी देखेंगी ये वीडियो जो आपकी है, आप 20-21 साल से परेशान है, तो ये तो आप वीडियो आपकी पत्नी भी देखेंगी, ये तो पूरा दतिया देखता है। तो अब वो बच्चों की कुछ समझ में आई। बच्चे कितने साल के अपने? एक 17 साल का, एक 15 साल का है। मतलब बड़े हैं का? पढ़ते हैं। उनसे मुलाकात नहीं होती आपकी? मिलने नहीं आते आप? नहीं, अभी अस्पताल में दो तीन दफे आए वे लोग। अस्पताल में है? नहीं, अस्पताल में हमसे मिलने आए। अच्छा, पढ़ते हैं अभी बच्चे? हाँ, पढ़ रहे। कुछ खाना पीने की व्यवस्था नहीं करते? अब उनके हाथ में क्या है? अच्छा, माँ चला रही है तो उनके हाथ में क्या है? हाँ। क्या आप अपनी पत्नी के बारे में क्या कहना चाहोगे? अभी देख रही है वो, क्या कहना चाहोगे पत्नी के बारे में? अगर आप ही कोई ख्वाहिश है तो बोलिए आप। अब ख्वाहिश ये है कि हम तो 2 रोटी मिले, इलाज चले हमारा बस। आप अपनी पत्नी से क्या कहना चाहते हो? वो सुन रही है तो क्या कहना चाहोगे? वो कुछ नहीं सुनेगी। नहीं, ये वीडियो तो देखेंगी ना वो, तो आप उनसे क्या कहना चाहते हो कि हमें आप रखना चाह रही हो कि नहीं रखना चाह रही हो, चीज तो बोलो आप। हम तो बोलो ना कि हम परेशान हैं, हमें घर पर बुलाओ, हम घर पर अच्छे से रहेंगे। हाँ, हम तो यही सोच रहे
आप चाहते हैं कि हम घर पे रहना चाहते हैं, हमारी पत्नी हमें सुख से खाना खिलाए और हम वहीं रहें, हैं? अगर अब लेकिन वो घर जाते हैं तो भगा देती है। हाँ। ऐसा है? हाँ। तो अभी कपड़े भी आपके पास नहीं है, हम दे दें कुछ कपड़े, हम दे दें कुछ कपड़े, दे देते हैं एक सेकंड। चाय पियो जी, गर्म कपड़ा है ना। और चाय पियो बढ़िया से, सर्दी है ना, अभी चाय पी लेना, ठंडी हो जाएगी, और बढ़िया केले खा लेना, और ये पुरानी हो गई इनको हटा देना आप, है ना। अभी ठीक लग रहा है आपको, थोड़ा तसल्ली मिल रही है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आपके आसपास भी अगर ऐसे लोग हों तो उनकी मदद करें, क्योंकि उनको आपका ही सहारा है। कहते हैं इनका परेशानी बताए, इनकी जो पत्नी है इनके साथ दुरुपयोग किया, उनका बता रहे हैं चाल चलन सही नहीं है, घर जाते हैं तो भगा देती हैं। क्या इनकी पीड़ा है, क्या परेशानी, कितनी सच्चाई है तो हमें नहीं पता, ये जाने उनके घर वाले जाने। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं अजय आपसे विदा लेता हूं, कल मुलाकात होगी नई कहानी के साथ, नए एपिसोड के साथ। अब तक अपना और अपनी परिवार का ध्यान रखें। धन्यवाद।